हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद दितिमन में। यहाँ शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन होती है मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों को सारी सच्चाई का पता लग सके। यहाँ इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की जो न्यू वैकेंसी आने वाली है 2023 की। तो ये जो आगामी भर्तियाँ हैं, इसकी अफवाह है ये या सच है, झूठ है, क्या है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले जो है सूचना आई थी कि थर्ड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट की जो है वैकेंसी आने वाली है, तो बच्चे जो है तैयारी में भी लग गए। विज्ञप्ति जो है वो अभी तक जारी नहीं हुई है। इस वीडियो में शिक्षा विभाग की सारी सच्चाई को जो है मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात जो है वो फर्स्ट ग्रेड की करूंगी। तो फर्स्ट ग्रेड की जो है कितनी वैकेंसी यहाँ पर आने वाली है, तो 6000 पद जो है आएंगे। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं अभी से करें, क्योंकि एक दो दिन में या एक महीने या दो महीने में जो है वो तैयारी नहीं होती है। फर्स्ट ग्रेड में सिलेबस भी काफी होता है, दो पेपर होते हैं आपके, तो तैयारी जो है वो अभी से करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद जो है सेकंड ग्रेड की जो है वो भर्ती कब आएगी, तो ये जो है एक क्वेश्चन मार्क है, अभी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। और जो भी बता रहे हैं कि सेकंड ग्रेड में जो है वो पद इतने खाली हैं और विज्ञप्ति आएगी, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर जो है वो किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी मुझे नहीं है और ना ही शिक्षा विभाग से मिल रही है। थर्ड ग्रेड की अगर हम बात करें कि थर्ड ग्रेड की जो है वो वैकेंसी कब आएगी, तो पहले तो आएगा रीट, ठीक है, रीट आएगी और उसके बाद जो है वो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आएगी। संस्कृत डिपार्टमेंट की जो भर्ती है उसकी चर्चा काफी बनी हुई है। संस्कृत विभाग में जो थर्ड ग्रेड की भर्ती है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। और इसमें जो है वो बिल्कुल सच्चाई है कि यहाँ पर 2200 पदों पर जो है वो अब भर्ती आएगी। तो आप लोग थर्ड ग्रेड की तैयारी करना स्टार्ट कर दें। संस्कृत डिपार्टमेंट की सिलेबस आपका वही है जो आपने पिछले थर्ड ग्रेड में पढ़ा था। यदि आप तैयारी स्टार्ट करते हैं तो या तो फर्स्ट ग्रेड की आप तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर दें अपने सब्जेक्ट को लेकर, और संस्कृत विभाग का अगर वेट कर रहे हैं थर्ड ग्रेड की, तो आप यहाँ पर तैयारी स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट, विज्ञप्ति कब आएगी, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो दिमाग में बना हुआ है स्टूडेंट के। आप सभी जानते हो कि 2023 ये जो है चुनावी वर्ष है, यहाँ पर जो नेता होते हैं वह बहुत अच्छे अच्छे प्रलोभन जो है जनता को देते हैं, उसमें स्टूडेंट भी शामिल होता है। तो स्टूडेंट के लिए अभी तक उन्होंने जो भी किया है तो उसकी भरपाई करने के लिए वैकेंसी जो है वह निकाल रहे हैं, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है वो वैकेंसी निकाली जा रही है। तो वहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी निकाली जाएंगी, और अक्टूबर माह से पहले ही जो है जो भी वैकेंसी आनी होगी, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, संस्कृत डिपार्टमेंट में थर्ड ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, वो सब अक्टूबर माह से पहले जो है वो आ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि आचार संहिता लगने से पहले जो है वैकेंसी आ जाएंगी। और उसके बाद जो है वैकेंसी कब आएगी उसका कोई भी अंदाजा या संभावना जो है वह मेरे पास तो कोई भी रिकॉर्ड नहीं है इस तरीके का, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड जो है इसकी वैकेंसी जो है अगस्त माह में आने वाली है, 99% आएगी फर्स्ट ग्रेड की। संस्कृत डिपार्टमेंट की जो भर्ती है यह भी आपकी अगस्त के लास्ट वीक में या सितंबर के फर्स्ट वीक में जो है वो आने की पूरी पूरी संभावना है। लेकिन अगर कोई श्योरिटी के साथ कह दे कि अगस्त में ही आएगी, तो ऐसा कोई भी नहीं कह सकता है। पदों की संख्या ही हमें अभी पता लगी है कि 2200 पदों पर भर्ती आ रही है संस्कृत डिपार्टमेंट में, फर्स्ट ग्रेड में 6000 पदों पर जो है वो भर्ती आ रही है, ठीक है। तो इन दो के लिए जो है वो मैं आप लोगों को कहूंगी तैयारी स्टार्ट कर दो। मान लीजिए अगस्त के लास्ट वीक में या सितंबर के फर्स्ट वीक में भी जो है नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, तो आपका सिलेबस देखिए, सिलेबस जो है वो आपका कितना बड़ा है, ठीक है। सिलेबस के लिए जो है आप लोगों को कोई भी एग्जाम हो, 6 मंथ अगर आप लगा देते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो जो है वो फर्स्ट ग्रेड आपका आराम से जो है वो निकल जाता है, ठीक है। और संस्कृत विभाग में जो थर्ड ग्रेड है उसमें भी आपको कम से कम 3 या 4 महीने तो पढ़ाई चाहिए ही। जो एकदम फ्रेशर है, फर्स्ट टाइम जो है थर्ड ग्रेड की देगा, उसको 3 महीने तो चाहिए, और बाकी जिन्होंने पहले दिया है तो वो 1 महीने में जो है अपनी रिविजन कर लेंगे। तो ये जो है सच्चाई है कि जब आचार संहिता लगेगी उससे पहले वैकेंसी जितनी आनी होगी आ जाएगी, और उसके बाद जो है कब आएगी, विज्ञापन कब आएगा, उसका हम नहीं कह सकते। तो तैयारी जो है, अगर मेरे अकॉर्डिंग पर्सनली मेरी राय है बच्चों से कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी जो है वो बिल्कुल अभी से स्टार्ट कर दें, ठीक है, ऐसा वेट ना करें नोटिफिकेशन आने का। नोटिफिकेशन जो है वो आपको अक्टूबर से पहले, ठीक है, अगस्त में आए चाहे सितंबर में आए, इन 2 माह में आए, आ जाएगा, 100% आएगा। वहीं पर संस्कृत डिपार्टमेंट में थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी है
वह भी आएगी, 100% आएगी अक्टूबर माह से पहले, यानी अगस्त और सितंबर में ये भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये वीडियो जो है वो मेरा ध्यान रखिएगा। वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बताया है कितने पद हैं, 6000 पद फर्स्ट ग्रेड में आएंगे, थर्ड ग्रेड में 2200 पद आएंगे। जो भी बच्चे वेट नहीं कर पा रहे हैं, तो जितनी भी वैकेंसी केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो निकल रही हैं, तो प्लीज़ मेरी ये राय है कि आप लोग जो है वहाँ पर फॉर्म डालें और वहाँ पर जो है सिलेक्ट होकर साइड अर्निंग जो है वो कमाना स्टार्ट कर दें। ठीक है, कुछ अर्निंग करें और अर्निंग के साथ में जो है वो आप लोग क्या करें, अपना स्टडी करें। ठीक है, ये बेस्ट होता है। इससे जो है अगर भर्ती कुछ टाइम देर भी लगती है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि साइड अर्निंग हमारी चल ही रही होती है। तो इसीलिए बहुत सारी वैकेंसी के वीडियो मैंने 10 12 15 दिनों में बनाए हैं, उनको आप जरूर देखें। यदि आप एलिजिबल हैं वहाँ पर, तो वहाँ 100% जो है वो आप लोग चले जाएँ, अपना जो है वहाँ इंटरव्यू दें और अपना एक्सपीरियंस जो है वहाँ पर बनाएं। बहुत प्रॉफिट होगा। पहली बात तो जिस सब्जेक्ट फर्स्ट ग्रेड में जिस सब्जेक्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट को पढ़ाने का मौका मिलेगा। और जब हम किसी चीज़ को पढ़ाते हैं तो हम वह बहुत गहराई से पढ़ते भी हैं, तो ये एक अच्छा मौका है।